वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी। प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूँ परशुराम। और आज आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, यह है एक नयापन का वीडियो है। इसका पहला भाग मैं ऑलरेडी पब्लिश किया हूँ, शायद आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरे चैनल द्वारा कक्षा 7, 8, 9, 10 के हिंदी और सोशल साइंस के वीडियोज़ उपलब्ध है, आप चाहे आपके मनपसंद के वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आज यहाँ एक आपको वीडियो लाया हूँ जो 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में जो कूट प्रश्न का वीडियो है, यह दूसरा भाग है। इससे भी पहले भाग में मैं 50 प्रश्नों के लिए कूट प्रश्न का वीडियो डाल दिया था और इसी वीडियो में भी 50 प्रश्न लाया हूँ। देखिए कि आगे प्रश्न कौन कौन से हैं। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? और इसका उत्तर था कि पंडित राजकिशोर लेक्चर देते थे, मजदूरों के नेता थे। अगला प्रश्न है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। आगे प्रश्न है, पंडित राजकिशोर किशनगंज फिर बसंत अहिर टीले उनका निवास स्थान है। बसंत अहिर टीले में भीकू अहिर के घर में रहता था। अगला प्रश्न है, प्रताप छोटा भाई है एकांकी में, फिर वर्मा कौन है? जी एस, वर्मा डॉक्टर है जो बसंत को इलाज करते हैं। इसमें एक दुर्लभ गुण यह डैश है। सही उत्तर था कि उसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। अगला प्रश्न था कि शांति का विलोम शब्द है, शांति शब्द का विलोम शब्द है, अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द निर्माण किया गया है अशांति। गरीब का विलोम शब्द है, गरीब का विलोम शब्द मिलता है बच्चों, अमीर कहते हैं। आगे प्रश्न था कि भाई का अन्य लिंग रूप है, यानी भाई तो पुल्लिंग है, फिर भाई का स्त्रीलिंग रूप होता है कि बहन। राजपुत्र समास का विग्रह वाक्य है, जो समास में विग्रह करते हैं राजपुत्र का है कि राजा का पुत्र। तुलसीदास जी का देहांत कब हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी का देहांत हुआ था कि 1623 में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके अनन्य भक्त थे? और तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? उत्तर था कि तुलसीदास जी मुख को मुखिया मानते हैं, मुखिया यानी नेता, नायक, लीडर कहते हैं। अगला प्रश्न था कि दया किसका मूल है? दया यानी करुणा, दया ही धर्म का मूल है। पाप का मूल क्या है? जो पाप का मूल था कि अभिमान, अभिमान इसका अर्थ होता है कि बच्चों गर्व, अहंकार भी कहते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन कौन है? तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक है। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था? पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम था कि हुलसी। आगे है, संचार माध्यम के लिए उदाहरण दीजिए, यानी कौन कौन से संचार माध्यम है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन, इंटरनेट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए उदाहरण दीजिए, फेसबुक, आर्कूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि सोशल नेटवर्किंग के साइट्स है। आईटी का विस्तृत रूप क्या है?
आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये था आईटी का विस्तृत रूप। अगला प्रश्न था कि आईटीईएस का विस्तृत रूप क्या है। आईटीईएस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस। अनुरूपता प्रश्न है, फेसबुक एक वरदान है फिर हाइकिंग डैश। फेसबुक वरदान है तो हाइकिंग अभिशाप है। कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं, फिर इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? यह सही उत्तर था कि अंतरजाल कहते हैं। विलोम शब्द था कि स्थिर का विलोम शब्द है। स्थिर शब्द का विलोम शब्द मिलता है कि बच्चों अस्थिर, अ उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। आगे का प्रश्न था, सदुपयोग का विलोम शब्द है। सदुपयोग का विलोम शब्द मिलता है दुरुपयोग। अन्य वचन रूप का एक प्रश्न है, कमरा का अन्य वचन रूप है। कमरा का अन्य वचन रूप है बच्चों कमरे। अगला प्रश्न था कि जगह का अन्य वचन रूप है। जगह का अन्य वचन रूप है कि जगहें, बहुवचन रूप है। दोस्त शब्द का अन्य वचन रूप है। दोस्त शब्द का अन्य वचन रूप मिलता है दोस्त, यानी सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। आगे, ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ किस विधा का है। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ व्यंग्य रचना विधा का है। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ का लेखक कौन है। पाठ के लेखक का नाम बताना था आपको। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ। मध्य प्रदेश के जमानी नामक गांव में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। दुनिया में पहला मकान पाठ के लेखक कौन है। जो दुनिया में पहला मकान पाठ के लेखक का नाम है कि डॉक्टर विजया गुप्ता। सिंगापुर आदिवासी लोग कहाँ रहते थे। जो सिंगापुर आदिवासी लोग है ये पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। हाथी से मिलकर दोस्त किससे मिले। हाथी से उत्तर पाते हैं फिर दोस्त हाथी के बाद उन्होंने सांप से मुलाकात करते हैं। आगे अनुरूपता नमूने के प्रश्न है, मछली तैरना फिर सांप रेंगना। पहले दो शब्दों के संबंध आपको ग्रहण करना है फिर बाद में आपको लिखना है। आगे था, पेड़ शब्द का अन्य वचन रूप है। पेड़ शब्द का अन्य वचन रूप मिलता है पेड़, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द ही है। मोर शब्द का अन्य लिंग रूप है। मोर तो पुल्लिंग है फिर इसका स्त्रीलिंग रूप बनता है कि बच्चों मोरनी। आगे एक खाली जगह के लिए प्रश्न है, आप लोग जरा मेरी पीठ की डैश ध्यान से देख लो। उत्तर था कि पट्टिया। आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टिया ध्यान से देख लो। दोस्त शब्द के लिए समान अर्थ देने वाले और दो शब्द आपको बताना है। दोस्त मित्र कहते हैं, सखा कहते हैं, यार भी कहते हैं। समय की पहचान कविता के कवि का नाम क्या है। जो समय की पहचान कविता के कवि का नाम है कि सियाराम शरण गुप्त जी। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है। बहाने बनाने का प्रमुख कारण ही आलस है, इससे यह एक दुर्गुण ही है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है। उत्तर था कि समय ईश दिया हुआ अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास रखने को कहते हैं। कवि आत्मा पर विश्वास रखने को
ते है। अनुरूपता प्रश्न है, समय सुसमय नाद सुनाद, सु उपसर्ग क्या करना है कि लगाकर शब्द को निर्माण करना था। समय सुसमय नाद सुनाद। आलोक किसका उपनाम है? डॉक्टर प्रदीप मुख्योपाध्याय जी का उपनाम ही आलोक है। अगला शब्द है कि वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखी है। वैज्ञानिक लेखक का नाम था कि आइजिक आसिमोव। रोबोट पार्ट में आता है यह एक नाम। अगला शब्द है, प्रश्न था कि शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम बताइए। जो शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम था कि झबरू। अनुरूपता नमूने का प्रश्न है, मुखिया धीरज सक्सेना है फिर साधुराम डैश। मुखिया तो धीरज सक्सेना थे फिर साधुराम तो सेवक है। इस मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको, अक्ल का अंधा। जो अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है कि मूर्ख बुद्धू। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? 6672 मीटर जो गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई है। बिचेंद्री रूड गेरो की चढ़ाई कब की? 1982 में बिचेंद्री पाल जी ने रूड गेरो शिखर की चढ़ाई की थी। बच्चों, यहाँ तक मेरे यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर करने के लिए भी न भूलें।